क्या आपकी चिन रिट्रूडेड है? रिट्रूडेड चिन होने से आपके हेल्थ पे क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है? What are the health risks associated with a retruded chin? Watch this video to know all about this. Hi, I'm Dr. Shreya Krishna, your trusted oral and maxillofacial surgeon from New Delhi. Retruded chin, small chin, or retrogenia is not just a cosmetic or aesthetic concern to a patient. रिट्रूडेड चिन के वजह से ओवरऑल पेशेंट को बहुत हेल्थ रिस्क भी एसोसिएटेड होते हैं जिनके बारे में मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स डोंट हैव नॉलेज. इन दिस वीडियो आई विल टेल यू नॉट ओनली द इफेक्ट्स, द एस्थेटिक इफेक्ट्स दैट रिट्रूडेड चिन कैन हैव, बट ऑल्सो द ओवरऑल हेल्थ रिस्क दैट यू फेस अगर आपको रिट्रूडेड चिन है. सो फर्स्ट डिस्कसिंग ऑल द कॉस्मेटिक इफेक्ट्स ऑफ हैविंग अ रिट्रूडेड चिन. द फर्स्ट ऑफ कोर्स वो तो है कि आपका जो फेशियल का जो साइड प्रोफाइल है उसमें द चिन होल्ड अ वेरी प्रोमिनेंट रोल. रिट्रूडेड चिन होने के कारण आपका जो फेस का साइड प्रोफाइल है वो बहुत ही ज्यादा कॉनकेव नजर आता है एंड पेशेंट्स आर वेरी डिससैटिस्फाइड विद दैट. हैविंग अ रिट्रूडेड चिन ऑल्सो इम्पैक्ट्स द लोअर लिप. जब हमारी चिन स्ट्रांग ना हो एंड इनफ सपोर्ट ना दे रही हो हमारे लोअर फेस का, देन जो हमारा लोअर लिप होता है वो भी हैंग डाउन करता है एंड लोअर लिप इवर्जन ज्यादा नजर आती है. द अदर इफेक्ट ऑफ हैविंग अ रिट्रूडेड चिन इज जो हमारा जॉ एंगल बनता है विद आवर थ्रोट. सो दिस चिन थ्रोट एंगल जो एक ब्यूटी का बहुत अहम हिस्सा होता है वो कम्प्लीटली एबसेंट हो जाता है, बहुत ही नेग्लिजेंट हो जाता है एंड दैट ऑल्सो गिव्स अ डिससैटिस्फैक्ट्री अपीयरेंस टू द फेस. फ्रंट प्रोफाइल में डेफिनेटली हैविंग अ रिट्रूडेड चिन हमारे फ्रंट प्रोफाइल में भी इफेक्ट करता है. इट डज नॉट गिव अ वेरी प्लीजिंग फेस. ऑल्सो जिन पेशेंट्स को रिट्रूजन होता है चिन का, उनको अपने लिप्स को सील करने में डिफिकल्टी होती है. जो वो एफर्ट इस दौरान डालते हैं अपने लिप्स को सील करने में, उसमें उनके चिन पे कुछ पिन पॉइंट्स आते हैं. वो दिखाता है कि हमारे चिन पे स्ट्रेन पड़ रहा है टू क्लोज द लिप्स. दैट ऑल्सो कैन गिव एन अनएस्थेटिक अपीयरेंस टू द लिप्स. नाउ मूविंग ऑन टू द मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो, ओवरऑल हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद अ रिट्रूडेड चिन. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउट ऑफ ऑल ऑफ देम इज ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया. स्लीप एपनिया उस बीमारी को कहा जाता है जिसमें हमें सोने के वक्त बहुत फ्रीक्वेंटली उठना पड़ जाए ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी. ये तब होता है जब हम रात को सोने के टाइम जब हमारे सारे फेशियल मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, उस टाइम पे अगर हमारे फेशियल एंड हेड एंड नेक स्केलेटन में अगर कोई भी नैरो एरियाज हो तो फिर हमारी एयर प्रॉपर क्वांटिटी में हमारे लंग्स तक नहीं पहुंचती है, हमारा ऑक्सीजन लेवल गिरता है एंड हमारा ब्रेन हमें उठाता है स्लीप से सो दैट हम वापस से ब्रीथ करना शुरू करें. दिस इज कॉल्ड स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया स्पेसिफिकली. एंड इसका सबसे कॉमन मैनिफेस्टेशन होता है स्नोरिंग. Now, having obstructive sleep apnea due to a retruded chin is one of the most common reasons. Why it is? Because जो अगर हमारी chin backward हो and बहुत छोटी हो, the main problem that happens is that हमारा जो lower airway होता है, जो हमारे chin and हमारे chin and throat के बीच में जो area होता है, जो chin throat length जिसे कहते हैं, वो बहुत छोटा हो जाता है. उस वजह से हमारी टंग की प्लेसमेंट भी पीछे हो जाती है एंड जो हमारा फैरिंग्स का आउटलेट होता है, जो ओपनिंग होती है, वो कंप्रेस हो जाती है. सो दीज पेशेंट्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ड्यू टू अ रिट्रूडेड चिन बेनिफिट इमेंसली फ्रॉम एडवांसिंग देयर चिन एंड सिंपली एक एडवांसमेंट जीनियोप्लास्टी से दीज पेशेंट्स फील सो मच इम्प्रूवमेंट इन देयर स्नोरिंग, इन देयर क्वालिटी ऑफ स्लीप. अगर ये अनअटेंडेड रहे एंड स्नोरिंग एंड स्लीप एपनिया कंटिन्यू रह जाए एंड वी डोंट ट्रीट इट, दीज पेशेंट्स गो ऑन टू डेवलप लॉट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एंड पल्मोनरी इश्यूज लाइक हाई ब्लड प्रेशर के शिकार बन जाते हैं, कार्डियक डिजीजेस के शिकार बन जाते हैं लाइक हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स,
लॉन्ग टर्म लंग कॉम्प्लिकेशंस लाइक सीओपीडी इन पेशेंट्स में ज्यादा देखा जाता है. वर्क परफॉर्मेंस रिड्यूसेस ड्यू टू स्लीपीनेस ड्यूरिंग द डे टाइम, इरिटेशन एंड इन सम केसेस इनसोम्निलेंस आल्सो. अगर आप रिट्रोडिव जिम के कैंडिडेट हैं, यू आर वेरी यंग, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट इन द लॉन्ग टर्म दिस विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ, नॉट जस्ट योर एस्थेटिक्स आल्सो. वेल, वी आर हियर फॉर योर कंसल्टेशन, वी आर हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस एंड रियली एक्सप्लेन टू यू कि रिट्रोडिव जिम का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है एंड यू मस्ट मीट योर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन टू क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड बी श्योर दैट यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम अ रिट्रोडिव जिम. And if you are, there are treatments available for it.